स्वागत है जी सब दा अरोड़ा क्लासेस दे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म ते। सो आई होप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अपने पीएस चैट दी क्लासेस नवा बैच शुरू हो गया हैगा, ठीक है। सो कल तो अपना मैथ्स दी भी क्लासेस लगी सीगी, बच्चे फर्स्ट क्लास अपनी मैथ्स दी भी शुरू हो गई है। सो जेडे स्टूडेंट्स ने हले तक पीएस चैट दा बैच बाय नहीं किया पर बैच बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करो, हुण मैथ्स दी क्लासेस भी शुरू हो गई है। तो जिस दी अपने कोल फीस है 4500, इसकी फीस है 4500। जेकर तुसी यूज करोगे कूपन कोड AC529 तो तुहानू इस ते मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है जी। एंड प्लस अपना नवा फाउंडेशन का बैच भी शुरू हो रहा है 21 दिसंबर तो इस दे ले भी तुसी मैक्सिमम डिस्काउंट दे ले यूज़ कर सकते हो कूपन कोड AC529। इस दे विच सारे स्टेट टीचर्स थोनू पूरा द पूरा कोर्स करवाएंगे। एंड नैक्सट अपना है ETT कैडर का न्यू बैच अपना शुरू हो गया 4 दिसंबर तो। इस दे विच भी मैथ्स की क्लासेस शुरू हो गई ने ऑलरेडी। एंड इसकी फीस भी रहेगी अपने को 4500। अगर तुसी यूज़ करोगे कूपन कोड AC529 तो थोनू मिल जाएगा इसते मैक्सिमम डिस्काउंट। पीएस चैट ETT दोनों के मैथ्स उन्होंने मैं ही करवाऊंगी। तो मैथ्स में आप बिल्कुल बेसिक तरीके से शुरू करांगे एंड उस तो बाद उसको आप एग्जाम लैवल तक ले जाएंगे। हर एक टॉपिक कवर करवाया जाएगा। कुछ है जे टॉपिक्स भी ने पीएस चैट के जो अपने सिलेबस नहीं मैनशन है, ठीक है, अर्थमैटिक के टॉपिक्स, बट आप उसनों सबनों कवर करके चलेंगे। सो बिल्कुल भी देरी ना करो, अज ही बैचेस में बाय करो। एंड प्लस जो स्टूडेंट्स चाहते है भी ये पैडागोजी भी होंगी जाए, मैथ्स की प्रैक्टिस भी होंगी जाए, तो डेली 4:30 मैथ्स की क्लास लगती है। मैथ्स का सिस्टम लगती है जिदे आप मोस्ट एक्सपैक्टिड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो तुम की है डेली इसनों यूट्यूब पर लगा सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो टैलीग्राम चैनल फॉर द अपडेट्स। ओके जी, फिर शुरू करते हैं अज की क्लास। सो यस, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हां जी, कैसे हो जी सारे? तो बच्चे देखो, सबनों आवाज क्लियर है? सबनों आवाज क्लियर है? सबनों आवाज आ रही है? सो जिन्हें स्टूडेंट्स ने हाले तक सैशन लाइक शेयर नहीं किया तो सब तो पहला सैशन लाइक शेयर कर दो एंड चैनल भी सबसक्राइब कर लो बच्चे। एंड जिन्होंने हाले तक टैलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तो थोड़ी इससे डेली अपडेट क्यूजिज एंड PDF मिल जाएगी। PDF से लिंक मिल जाएगा थोड़ा, तो लिंक से तो उसे क्लिक करके कि इस PDF की सोल्यूशन वीडियो भी देख सकते हो। हाँ जी, ऑल ओके, तो फटाफट सैशन लाइक शेयर करो जल्दी जल्दी। कई स्टूडेंट्स का हले मेल मिलाप ही नहीं खत्म होया हुंदा, है ना, मेल मिलाप ही कर रहे हुंदे है। चलो ओके, डन है। तो बच्चे कल लाइट चल गई सी, अपने कुछ एक दो क्वेश्चन विच रह गए सीगे, उसकी मैं तुहानू PDF डाल दूंगी, तो PDF तो तुसी कर सकते हो आराम दे नाल, कोई वड्डी दिक्कत नहीं है। चलो भी लगाओ पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन इस बार अपने कोल किदा आ रहेगा, पैडागोजी का। चलो भी पैडागोजी पहला करते हैं अज, ठीक है। चलो जी, अज पैडागोजी फर्स्ट करते हैं आप। लगाओ पहला क्वेश्चन। सबटाइजिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिवेलपिंग द नंबर सेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट डेमोस्ट्रेटिंग द स्किल ऑफ सबटाइजिंग। हाँ जी, तो कहते जो सबटाइजिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देगा नंबर सेंस, नंबर समझने के लिए। तो ये कि एग्जाम्पल है जो सबटाइजिंग डेमोस्ट्रेट, मतलब उसकी एग्जाम्पल दे रही है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है मेल मिलाप वाला शगन, ये तो तुम सारा दिन व्हाट्सएप वगैरह से, है ना, इंस्टा वगैरह से करते रहते होंगे। तो यूट्यूब एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, तो प्लीज इस पर की है ट्राई करा करो, ज्यादा तो ज्यादा सिर्फ पढ़ाई की गल ही करिए, है ना, आप स्टडीज के रिलेटेड ही आप इंटरैक्ट करिए एक दूजे के नाल। चलो करो भी पहला क्वेश्चन लगाओ। तो सबटाइजिंग का मतलब की होंगे, देखो बच्चे सबटाइजिंग का मीनिंग ही अपने को होंगे गा, तो सबटाइजिंग का मीनिंग होंगे गा एक समोल पेयर ऑफ ग्रुप, समोल पेयर ऑफ ग्रुप, समोल ग्रुप या फिर पेयर क्यों, समोल ग्रुप,
ठीक है, एक स्मॉल ग्रुप होगा जिदे विच की है आप सिर्फ देख के ही सीधा आप देख के ही दस दिए भी इहदे किन्ने नंबर है। ठीक है ना, देख के ही दस दिए भी किन्ना नंबर है। तो हुण देखो जिवें कि स्टूडेंट इकराइज द नंबर 6 एज 1 इज एडेड टू 5, स्टूडेंट रोल अ डाई एंड इज एबल टू से इट इज 4 विदाउट एक्चुअली काउंटिंग द डॉट्स। तो हुण ये देखो आपां नूं साफ पता चल रहा है तो जदों डाइस नूं आपां उछाल लांगे तो डाइस ते की है, मान लो अपने कोल की चार डॉट्स लगे आ गया, तो उस डाइस ते चार डॉट्स लगे आ गया तो स्मॉल ग्रुप बन गया, उसनूं बिना काउंट किए आपां देख के दस सकते हैं भी हाँ जी इसके कोल किन्ने नंबर है, बई 4 है। ठीक है, सरप्राइजिंग की होंगे एक छोटा ग्रुप होंगे जिदे कुछ नंबर कुछ ग्रुपिंग की होंगी है एंड उस ग्रुपिंग आप देख के ही दस दिए, ग्रुपिंग देख के ही बिना काउंट किए और नंबर आप बिना काउंट किए दस सकते हैं भी 4 है या 5 है या 6 है जिन्ना भी है। तो डाइस इज द बेस्ट एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी। सो द ऑप्शन बी, ठीक है जी, ओके क्लियर है सबनों। तो जो आप डाइस उछालते हैं तो आपको ना काउंट करने की लोड़ नहीं पैंती, आप देख के ही दस दें भी ओके 4 डॉट्स ने, इस करके आप की है आईएसटी ते भी तो मैम देख सकते हैं। आईएसटी की चीज बच्चे दसो, आईएसटी की है नहीं ग्रुप, मतलब एक ग्रुप होना चाहिए बच्चे देख के ही आप की है उसको बिना काउंट किए बिना काउंट। देखो इतने तक काउंटिंग कर रहे हैं ना, वो की कह रहे हैं भी वो 6 नु किवें रिकॉग्नाइज करेगा भी जो 5 दे विच की है 1 ऐड करेगा तो उन्होंने 6 मिलेगा, ये तो काउंटिंग होगी ना भी 5 दे विच जो उसने 1 ऐड किया फिर 6 आया। तो मान लो कि मैं डाइस उछालिया, मान लो मैं किया डाइस उछालिया, डाइस दे की आ गए मेरे को इतने 4 डॉट्स आ गए तो मैंने बिना काउंट किए दस दूंगे कि नहीं भी मेरे को किन्ने आए 4 है। ठीक है ओके चलो नेक्स्ट देखो, टीचर गिव्स स्वरा टू शेप्स और रोम्बस इन द काइट, शी आस्क्ड हर टू टेल द नेम ऑफ द शेप हैविंग मोर लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो किसने बहुत ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री है, तो टीचर ने की किया स्वरा नु की है कुछ शेप्स दिते रोम्बस से काइट, तो उस तो पूछ रही है भी किदे कोल भी ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री है। दिस क्लास इज फॉर पेपर 1 और पेपर 2। सो बच्चे पैडागोजी तो कॉमन ही है, बिल्कुल सिलेबस सेम है पेपर 1 का भी ते पेपर 2 का भी। सो जेडे स्टूडेंट्स बेसिकली पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो वैसे ओ पेपर 2 दे लिए क्लास चल रही है, पर पेपर 1 वाले पैडागोजी कर सकते हैं प्लस जेडे टॉपिक्स कॉमन है जिवें सिंपलीफिकेशन हो गया नंबर्स हो गए तो वो क्वेश्चंस वाले लगा सकते हो सुमन। ठीक है हाँ जी, किदे कोल अपने कोल ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गया काइट रोम्बस बोथ शेप्स एंड या फिर किसे कोल भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सो काइट कोल बच्चे देखो काइट दे अपने कोल की प्रॉपर्टीज होंगी है, काइट दे एक तो एडजेसेंट साइड्स बराबर होंगी है एंड एक अपने कोल इसका एक पेयर ओपोजिट एंगल्स का एक पेयर की होंगे बराबर होंगे है, तो इसके अपने को 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाती है, इसके कोल की होंगी है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड जबकि अपने को जो रोम्बस होंगे जो बच्चे अपने को रोम्बस होंगे दिस इज रोम्बस इधर सारी साइड बराबर होंगे, इस अपने को 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, इस मिलती है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ऑब्वियसली रोम्बस को ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है ऑप्शन बी, बाकी भी कर लो तुसी, तो जिवें कि स्केयर देख लो, स्केयर देख लो दसो जल्दी जल्दी स्केयर दे कितने हो जाएंगे अपने को, स्केयर हो गया रिक्टेंगल हो गया स्केयर है जी, रिक्टेंगल अपने कोल होर सर्कल, चलो दसो एक पैरोग्राम होंगे चलो जी दसो
ਤਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਸਿਮਟਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੀਆਂ 2 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਮੈਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 9 9 ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਿਮਟਰੀ। ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ, ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਡਨ ਹੈ? यस बिल्कुल। सो रेक्टेंगल 2, स्क्वायर 4, सर्कल इनफाइनाइट, पैरेललोग्राम नो लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ट्रेपीजियम आल्सो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। डन। ओके, काइट एंड रोम्बस भी नाल ही नोट डाउन कर लियो। काइट एंड रोम्बस अपने विच ही कर लिया। चलो नेक्स्ट करो। Which of the following is the correct according to the Polya's problem solving problem? ਤਾਂ ਪੋਲਿਆ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਜੋਸ ਪੋਲਿਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋਸ ਪੋਲਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਵੀ ਨੋ, ਹਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ। ਹਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਾਇਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੋਸ ਪੋਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਡਿਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ, ਲੁੱਕ ਬੈਕ, ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਦਾ ਪਲਾਨ। ਓਕੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਡਿਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ, ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਦਾ ਪਲਾਨ, ਲੁੱਕ ਬੈਕ, ਡਿਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ, ਡਿਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ। ਦੇਖੋ ਡਿਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੋਲੀਆ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਡਲ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਟੇ ਲਗਾਓ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਲੇ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਰੀਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਉਸੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਰੀਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਓਕੇ ਹੈ, ਡਨ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਸ ਪੋਲੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਆਫਟਰ ਟੀਚਿੰਗ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਨੰਬਰ, ਅ ਟੀਚਰ ਗੇਵ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਸੋਲਵ। ਟੇਕ 2 ਡਿਜ਼ਿਟਸ ਸੇ 3 ਐਂਡ 5, ਮੇਕ 4 ਡਿਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬੋਥ ਦਾ ਡਿਜ਼ਿਟਸ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ, ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਨਸਰ ਯੂਨੀਕ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ 2 ਡਿਜ਼ਿਟਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 3 ਐਂਡ 5, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 5 ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਡਿਜ਼ਿਟ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਨ ਐਂਡਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਗਿਵ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕ੍ਰਿਟਿਕ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਿਡ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਸਪੋਂਸਿਸ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਿਸਕਰੇਜ, ਨੋ ਬਈ ਕਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਕੰਟੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੰਟੈਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਿਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਓਪਨ ਐਂਡਿਡ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਐਂਡਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਓਪਨ ਐਂਡਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ 3 3 5 5 ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, 5 5 3 ਇੱਕ ਅੰਸਰ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 3 5 5 3 ਇੱਕ ਅੰਸਰ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ 3 5 3 5 ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅੰਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਨ ਐਂਡਿਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਅੰਸਰ ਏ। ਇਸਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਨ ਐਂਡਿਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਗਾ, ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਗਾ ਮਲਟੀਪਲ ਅੰਸਰ ਨੂੰ
ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਗਲਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਡਨ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਰਥ ਦਾ ਆਨਸਰ ਏ। ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਇਨਕਰੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰੋ। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, तो एनसीएफ ते हर बार की है, चाहे तुसी की है चाइल्ड पैडागोजी कर रहे हो, चाहे तुसी साइंस पैडागोजी कर रहे हो, चाहे मैथ पैडागोजी कर रहे हो, एनसीएफ ते नॉर्मली ना आई होंगे अपने को क्वेश्चन है ना। तो एनसीएफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने हले तक प्लेस ऑफ मैथमैटिक्स नहीं देखा ना, प्लेस ऑफ मैथमैटिक्स इन करिकुलम, उस दे विच मैं एनसीएफ नू भी डिटेल दे विच पढ़ाया है। प्लेस ऑफ मैथमैटिक्स इन करिकुलम दे विच अपने एनसीएफ नू बच्चे डिटेल दे विच पढ़िया होया है। सो जेडे स्टूडेंट्स ने हले तक वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके देख लियो। प्लस 6 बजे प्रीमियर लगेगा, तो 6 PM आप अज की करांगे इवैल्यूएशन। मूल्यांकन का की रोल है मैथमैटिक्स दे विच, इवैल्यूएशन इन मैथमैटिक्स। ओके जिहड़े स्टूडेंट्स ने डिटेल दे विच पढ़ना है इवैल्यूएशन मैथमैटिक्स दे विच, तां 6 बजे वाली क्लास उह लगा सकते हैं, उन्हां नूं इसदी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इंडिकेटिव ऑफ द मैथमेटाइजेशन। मैथमेटाइजेशन की होंदा भी बच्चे दे दिमाग दे विच गणित नूं भर देना, ठीक है, भी ओदे विचारां दे विच गणित आउणा, ठीक है, ओदे विचारां दे विच गणित आना। मान लो कि है वो सिंपल भी गलबात कर रहा है ना, तो की करे मैथ नूं लैके गलबात करे, ठीक है जी, मैथ नूं सोचदे होए गलबात करे। ओके चलो देखो फिर, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन ओनली थ्रू अ फॉर्मूला, बिल्कुल भी नहीं। सोल्विंग द प्रॉब्लम यूजिंग फॉर्मूला प्रोसीजर एंड चेकिंग द आंसर फॉर आंसर की। ओके देखते हैं अगे। Estimating the weight of different objects in surrounding and discussing the answers with the peers and the teachers. Okay. So doing an activity on addition following the strict prescribed. नहीं बिल्कुल नहीं, तो strictly तो कुछ भी नहीं। तो देखो B या C, solving the problem using formal procedure and checking the answers from an answer key. नहीं मतलब सिर्फ और सिर्फ procedure नो follow करके और solve प्रॉब्लम्स नू सॉल्व करना ही कोई उद्देश्य नहीं हैगा एनसीएफ दा, ठीक है। तो ओदा की उद्देश्य हैगा भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नू लेके चीजा नू डिस्कस करना, अलग अलग चीजा नू लेके चीजा नू डिस्कस करना। सो इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनसीएफ। इस दे नाल की है बच्चों के माइंड दे विच मैथ्स आएगा, वो चीजा नू रियल लाइफ दे नाल की कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। क्लियर है सब नू? हाँ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके तां जेड़े स्टूडेंट्स ने हाले तक कोई बैच नहीं बाय किया बट बैच बाय करना चाहते हैं, सो स्टूडेंट्स तुसी बैच नू बाय कर सकते हो, तुसी यूज कर सकते हो कूपन कोड AC529। चलो नेक्स्ट देखो। पैरामीटर ऑफ ए ट्रेपेज़ियम इज 58 एंड सम ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स इज 20। इफ इट्स एरिया इज 152 देन द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज। ओके करो भाई जल्दी जल्दी करो, ठीक है। तो ट्रेपीजियम तो ज्योमेट्री दे विच सब तो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आ रहेगा मेंसुरेशन दे विच, सॉरी मेंसुरेशन दे विच जेडे जिदे विच बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ट्रेपीजियम दे विच बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो ट्रेपीजियम नु अच्छे तरीके नाल कर लियो। तो ट्रेपीजियम का एरिया बिल्कुल ही ईजी जहा एरिया यार, तो ट्रेपीजियम का एरिया अपने को होंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाय 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। द हाइट की अपने को डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स दे विचकार द डिस्टेंस। सो ए वाले नहीं होंगे। देखो यार ट्रेपीजियम अपने इन्ने वार किता है, इन्ने वार किता है मैम, जिवें आशिम सर ने साइकोलॉजी विच कुछ नेगेटिव वर्ड्स दसे है, वह वर्ड्स आप मैथ पैडागोजी विच यूज कर सकते हैं, जिवें वर्ड ओनली। हाँ काइंड ऑफ मतलब वैसे कर सकते हो, तुसी मैथ दे विच भी उस वर्ड नू यूज कर सकते होगे भी जिवें ओनली है ना, तो ओनली वाली कोई गल नहीं होंदी है, तो यह आप मैथ दे विच भी यूज कर सकते हैं भी सिर्फ जिवें आप कई क्वेश्चन इदा दे भी किते है भी ओनली बॉयज ही मैथ नू कर सकते हैं, है ना। सो उस चीजा नू आपां की करदे होने गलत करदे होने भी नहीं भी मैथ नू तां हर एक स्टूडेंट कर सकदा है, ठीक है। तो हुण जिवें आपां ने पिछे क्वेश्चन किया सीगा एक,
ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਐਨਸੀਆਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਊਗਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 152 ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਇਜ਼ 58 ਐਂਡ ਸਮ ਆਫ ਇਟਸ ਨੋਨ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਨੋਨ ਪੈਰਲਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨਾ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਨ ਪੈਰਲਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਯਾਰ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੋਨ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਨੋਨ ਪੈਰਲਲ ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਤਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਸਾਈਡਸ ਏ ਪਲੱਸ ਸੀ ਪਲੱਸ ਬੀ ਪਲੱਸ ਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਐਂਡ ਬੱਚੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 58 ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਏ ਪਲੱਸ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋਨ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੋ ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 38 ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 38 ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 38 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਕੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿਸ ਐਚ ਦਿਸ ਐਚ ਓਕੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬਈ 4 ਤੇ ਕੱਟ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੋ ਦਾ ਐਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਓਕੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੋ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਥ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਮੈਥ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਥ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਮੈਥ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਾਂ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਸਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਸਿਮਿਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੋ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦ ਰੇਡੀਆਈ ਆਫ ਦ ਟੂ ਸਿਲੰਡਰਸ ਇਜ਼ 2:3 ਐਂਡ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ देयर ਹਾਈਟ ਇਜ਼ 5:3 ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ देयर ਵੋਲਿਊਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਜ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਓਕੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਜ਼ੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਟ੍ਰੈਪੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰ ਜਿਓ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਜਿਓ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਮਤਲਬ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਸਾਰੇ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਨੋਨ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਬਿਕਮ ਇਕੁਅਲ ਦੈਨ ਦ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਮਟਰੀ ਦੈਨ ਦ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਮਟਰੀ ਓਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਗਰ ਨੋਨ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਈਸੋਸਲੈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ਮ ਬਣ ਜੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਮਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਮਟਰੀ ਸੋਚੋ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨੋਨ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਇਨ ਕੇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਨੋਨ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਮਟਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਮਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੈਡ ਹੈ, ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੈਡ ਹੀ ਆ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਨ ਕਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਗੇਨ ਜ਼ੈਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, 2 ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸਭ ਨੇ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। सो वेरी गुड सभी, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है, 20:27, वेरी गुड, बिल्कुल सही है यार। तो मतलब अच्छा लगता है जो तो सारे बच्चे आंसर करते हैं। रेशियो ऑफ द डाई ऑफ द 2 सिलेंडर्स इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 5:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो दो सिलेंडर है V1 से V2, हाँ जी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, इट इज पाई R1 स्क्वायर इनटू H1 अपने थ्री स्क्वायर 9, 5/3 आंसर बन गया अपने को 20/27, 20/27 दैट इज 20:27 ऑप्शन डी। क्लियर, क्लियर है जी सबनो? हाँ जी बच्चे भाई, सबनो क्लियर? तो याद रखियो भी वॉल्यूम सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम की होंगे, इट इज पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर हो गया, कौन हो गया, ठीक है, इन्ना देर तक याद करने करने हैं, और की हो गया, आ क्यूब हो गया। क्यूबॉइड हो गया, ठीक है जी। हेमिस्फीयर, स्फीयर, बच्चे इन्होंने सब ने तुसी की है वॉल्यूम थोड़ा याद होने चाहिए है। अपने को सिलेंडर का वॉल्यूम होंगे पाई आर स्क्वायर एच, इसका अपने को वॉल्यूम होंगे लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एल इनटू बी इनटू एच, ठीक है जी। दिस इज एल, दिस इज बी एंड दिस वन इज एच। अपने को रेडियस ले लिया सी मैं आर, एंड हाइट अपन ने ले ली सी एच। सो इसका अपने को वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो देखो यार सिलेंडर का 1/3 होंगे, सो इसका अपने को वॉल्यूम भी की हो जाता है 1/3 πr² एच। तो क्यूब के सारी साइड्स बराबर ही होंगे, इसका वॉल्यूम हो जाएगा अपने को एल क्यूब, एंड हेमीस्फीयर थिक स्फीयर, स्फीयर का मान लो रेडियस मेरे को आर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr³, सो यदा हाफ हो जाएगा 2/3 πr³। तो जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो सारे, ठीक है, तो सारे के सारे नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। हाफ ऑफ सरफेस एरिया 2πr² होंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम सारे देख लो भी, इन्हों के वॉल्यूम्स की कुछ होंगे ने, सो तो देख लो भी केड़ा पेन लिए, विच 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 विच, चलो ये तो नहीं लेंदे, सेम सेम हो जाएगा, चलो ये वाला ले लें। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी लिख लो इन्हों ने, सिलेंडर का अपने को टोटल सरफेस एरिया की हो जाएगा, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस उपर वाले सर्कल्स, तो कर्व्ड सरफेस एरिया की हो गया 2πr² प्लस 2πr², तो अपने को 2πr कॉमन आ गया, तो बार बच गया एच प्लस आर, ठीक है। इसका अपने को की हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 2 times ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ओके। एंड इसका अपने को टोटल सरफेस एरिया की हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया की हो गया पाई आर एल प्लस एक अपने को सर्कल होंगे पाई आर स्क्वायर, तो ये थोड़ी कर्व सरफेस एरिया भी बच्चे याद कर सकते हो पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो याद रखियो अपने को जी एल होंगी है, सो दिस एल इज द स्लैंट हाइट विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर द स्क्वायर रूट। इसका अपने को टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 6L²
सिक्स एल स्क्वायर, ठीक है जी। इसका अपने को टोटल सरफेस एरिया की हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा टू पाई आर स्क्वायर, नो टू पाई आर स्क्वायर यस, प्लस पाई आर स्क्वायर, इट इज थ्री पाई आर स्क्वायर। एंड इसका बच्चे टोटल सरफेस से कर्व सरफेस इक्को ही होंगे गा, फोर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सारे के सारे फॉर्मूले लिखते हैं, तेना भाई रट लियो, ठीक है, किवें ना किवें करके बस रट लियो, एक पेज से लिख लो सारे के सारे फॉर्मूला, तो ये सारे थोनू याद होने चाहिए है। ओके, नोट डाउन कर लिया सबने। ओके, डन। ओके, हाँ इन्हू सारे लिख लियो, ठीक है, याद कर लियो, कल लिखने नहीं याद भी करना है ऑब्वियसली, ठीक है, कितने कल लिख के बैठ जाओ। मैम तुम तो क्या सी लिख लियो, याद करना तो क्या ही नहीं, तो मैं आपका फर्ज पूरा कर देनी हूं भी याद भी कर लियो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो, इफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाय 150% देन द इंक्रीमेंट इन इट्स सरफेस एरिया। तो इन्होंने की किया, क्यूब की साइड नु की करता 150% वधाता, जो तो क्यूब की साइड नु 150% वधा देंगे तो ऑब्वियसली उनका एरिया भी तो बढ़ूगा, तो दसो कहते उसके एरिया विच कितना परसेंट इंक्रीमेंट लग गया, तो उसकी साइड दे विच उसके एरिया दे विच कितना इंक्रीमेंट लग गया, कितना ज्यादा हो गया। टोटल देखो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया देखो पाई, अपने को जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये जो चीज होती है अपने को कितनी होती है 2 पाई आर स्क्वायर, आ मेरे को की आ गया, ये मेरे को सर्कल आ गया, तो सर्कल का की होता बच्चे एरिया पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, इस करके अपने को टोटल कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ओ यस जसपाल का क्वेश्चन नंबर 6 रह गया, ओके जसपाल, ओके तो थोड़ा ना पहला क्वेश्चन नंबर 6 ही कर लेने, जसपाल जी ने क्वेश्चन नंबर 6 किया सीगा, दोबारा रिपीट करनो। तो बच्चे देख लो यार आपको की दिता होया पैरामीटर ऑफ ट्रेपीजियम 58 दिता होया, तो पैरामीटर का मतलब की होंगे सम ऑफ होल साइड्स, तो ए प्लस सी मेरे को केड़ी साइड्स ने पैरेलल साइड्स, एंड मेरे को बी प्लस डी की ने नॉन पैरेलल साइड्स, इन सारे का सम मेरे को की आएगा पैरामीटर ऑफ ट्रेपीजियम विच इज गिवन 58, नॉन पैरेलल साइड्स कितनी गिवन है मेनू 20, तो पैरेलल साइड्स का सम कितना आ जाएगा 38। तो हुन अपने कोल होंदा की है, अपने कोल जिहड़ा एरिया होंदा ट्रेपीजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 इनटू हाइट। तो अपन नु एरिया कितना गिवन है ट्रेपीजियम का, कितना गिवन सीगा ट्रेपीजियम का एरिया 152, 152 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना आ गया 38 डिवाइड बाय 2 इनटू हाइट। देखो 38 नु मैं 152 ते कटता किन्ने ते 4 ते, सो हाइट कितनी आ गई मेरे को 8 सेंटीमीटर, सो द हाइट बिकम्स 8 सेंटीमीटर। ओके डन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करो भी सारे, तो हूँ मेरे को की सी एक क्यूब सी, तो क्यूब नू की किता अपन ने क्यूब की साइड नू ना इनक्रीज करता, मेरे को पहला की सी क्यूब की साइड एल सी, हूँ इस दी मैं साइड नू इनक्रीज करके किन्ना करता एल प्लस 150% इस नू की करता अपन ने इनक्रीज करता, तो जो आप इस दी साइड नू इनक्रीज करांगे इस दे एरिया दे विच किन्ना इनक्रीमेंट लग गया, तो इसका एरिया किन्ना इनक्रीज होया ही अपन ने दसना है। सो ये क्वेश्चन भाई मैं बहुत वार करवा रखे है, बहुत ज्यादा वार भी इस तरह के क्वेश्चन आप कि करांगे, जो अपने को परसेंटेज वाले क्वेश्चन होंगे इन्हों आप कि करांगे, सो परसेंटेज वाले क्वेश्चन सब तो पहला ना फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लिया करो, 150% की अपने को फ्रैक्शन की आई, 150% की फ्रैक्शन मेरे को 3/2 आऊगी, हाँ या ना दसो जल्दी जल्दी, नो मनजीत दोबारा ट्राई करो।
150% ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈ 3/2 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 2+3 ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ 3 ਵਧੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 2 ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁਣ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊਬ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 6L² ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 6L² ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 6L² ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 × 6 × 2² ਦੈਟ ਇਜ਼ 24 6 × 5² 25 × 6 ਹਾਂ ਬਈ 25 × 6 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 150 25 × 6 150 ਸਹੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 150 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ 150 ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੰਦੀ ਬੋਧ ਲਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸਕਸੈਸਿਵ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਇਨਟੂ 100 ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 126 ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 24 ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤੇ ਗਿਆ 21 ਇਹ 4 ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ 25 ਤੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ 525% 525% 525% ਆਪਸ਼ਨ ਏ 525% ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਬਈ ਡਨ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੋਲਿਊਮ ਸੀ ਕੁਛ ਲੈਂਥ ਸੀਗੀ ਲੇ ਕਿਊਬ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ 150% 150% ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ 150% ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3/2 ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6L² ਡੈਟ ਇਜ਼ 24 ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 150 ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 24 ਸੀ 150 ਹੋ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ 126 ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 24 ਸੀ ਇਨਟੂ 100 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 525% ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਆਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 150 ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਡਨ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਫਟਾਫਟ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਬੱਚੇ 525 ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਸਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਅਗਰ 150 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 130 ਆ ਜੇ 140 ਆ ਜੇ 50 ਆ ਜੇ 60 ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਇਫ ਈਚ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵਧਾਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਆਂਸਰ ਚਾਹੀਦਾ
फटाफट मैनूं सब दा आंसर चाहिए। अगर मैं तुहानूं की कहवां भी क्यूब की हर एक साइड नूं आपां ने 50% इनक्रीज करता है तो हुण उसके सरफेस एरिया दे विच कितना इनक्रीमेंट लगेगा। जल्दी जल्दी फटाफट, मतलब ज्यादा टाइम नहीं पाना है सबने। करो भाई दसो इसका आंसर अपने को बनूगा। पहला लेंथ किन्नी सी, जिन्नी भी सी 50% उसको इनक्रीज करता हूं उसके एरिया दे विच कितना इनक्रीमेंट लगेगा। तो जल्दी जल्दी सोल्व करो इस क्वेश्चन को। 50% नु पहला आप की करांगे फ्रैक्शन दे विच कन्वर्ट। 50% दी फ्रैक्शन किन्नी होंदी है 1/2। इसका मतलब पहला साइड 2 सी, वध के किन्नी होगी 3 होगी। इसका अपने को टोटल सरफेस एरिया कितना आया, तो टोटल सरफेस एरिया याद रखना है सबने 6L² होंगे। सो 6 4 24 एंड 9 6 54। ठीक है, तो पहला एरिया 24 थी, बद के 54 हो गया। कितना वधिया इनक्रीज परसेंट कटना है तुसी, कितना एरिया वधिया हूं अपने को 30 वधिया। पहला कितना सीगा 24 सी इंटू 100 4 से गया, ये 5 से गया 25 125%। सो किधर किधर 125% आया, ठीक है जी 125%। वेरी गुड, बहुत मतलब देखो नंदनी हरप्रीत हरजीत मनजीत मानसी जय हो वाह जय हो पायल, ठीक है सब द आंसर 125 आ रहे हैं। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी नाइस, ठीक है जी, यू गाइज आर गुड लर्नर्स। ओके, तो जेडे स्टूडेंट्स ने यूजीसी हिस्ट्री दी यूजीसी नेट हिस्ट्री दी तैयारी करनी है तो रितु मैम का कोर्स बाय करो भाई, तो मैम बहुत अच्छे तरीके नाल तैयारी करवाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इसकी कोस्ट की है 10,000 है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए तुम यूज कर सकते हो कूपन कोड AC529 AC529। एंड जेडे स्टूडेंट्स SSC की तैयारी करना चाहते हैं तो रोहित सर का बैच बाय कर सकते हो। सो रोहित सर तो सभी जानते हैं, इन्हों की ऑनलाइन फीस है 2500 एंड ऑफलाइन है 12,000। तो इस दे विच भी अगर तुसी मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है तो कूपन कोड यूज कर सकते हो AC529। अगला करो, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 16/π टाइम्स द एरिया ऑफ द सर्कल। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 16/π टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल। रेशियो फाइंड करनी है आपने स्क्वायर दे साइड ते डायमीटर दी है, ध्यान रखियो डायमीटर है रेडियस नहीं है, हुन डायमीटर है बच्चे रेडियस नहीं है। तो देखो जी हाँ जी, बट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर, इट इज साइड स्क्वायर एंड 16/π एंड अपने को एरिया ऑफ सर्कल की होता है पाई आर स्क्वायर। तो जेड़ा अपने को डायमीटर होता है 2 times of r ही तो होता है, तो मैं आर नु इदा लिख ला D/2, आर नु आप D/2 लिख लिए, पाई दे नाल तो पाई कैंसिल ही कर दो, तो इसनों अगर मैं पाई बाय टू लिख ला तो कि आ जाएगा D² / 4, ये 4 से 4 गया। सो S² / D² का रेशियो कि बनिया 4/1, तो S/D का वैल्यू कि बन गया मेरे को 2/1। सो द आंसर इज 2:1, सो द आंसर इज 2:1, ठीक है आ गया सब का। सो द आंसर इज 2:1 ऑप्शन ए, क्लियर है जी सबनों, बिल्कुल सही, नाइन्थ का आंसर ए, नाइन्थ का आंसर ए, ठीक है। सो ऑलमोस्ट थोड़ी मैग्जुरेशन में आज वाले टॉपिक्स दे विच काफी कवर करती है, ठीक है। अगर फिर भी थोड़ा किसी तरीके की दिक्कत आती है तो तुम की है मेरे टैलीग्राम से कंसल्ट कर सकते हो। अगे देखो यार ये क्वेश्चन तुम की होमवर्क के सब ने कमेंट बॉक्स के दसने इस आंसर की आएगा। सो देखो ट्राई करना है, वॉल्यूम दिता हुआ है, सिलेंडर वाला क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर लिया है, तो हूँ यह क्वेश्चन तुम खुद करना है। अपने रेडियस दे रेडियस का रेशो दसना है, R1:R2 अपने को कितना आएगा, R1:R2 दसना है, तो आपको दिता की होगा
वॉल्यूम ऑफ द टू सिलेंडर इक्वल है, दो सिलेंडर ने जिन्हों का वॉल्यूम अपने को की है इक्वल है, उन्होंने हाइट का रेशियो देता तो रेशियो आप इन्होंने रेडियस का रेशियो आप फाइंड कर लेंगे। सो ओके, तो सब ने इस क्वेश्चन ट्राई करना है एंड कमेंट बॉक्स के इस आंसर जरूर करना है। तो मिलते हैं फिर आप नेक्स्ट क्लास के होर क्वेश्चन के नाल। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो 6 बजे सब ने बई क्लास लगानी है इवैल्यूएशन ऑफ मैथमैटिक्स, इवैल्यूएशन इन मैथमैटिक्स, ठीक है जी। 6 बजे अपनी क्लास लगेगी इवैल्यूएशन इन मैथमैटिक्स। तो बाकी नु भी लिंक शेयर कर दिया करो यार बिना कहे, ठीक है। तो सब ने लिंक शेयर कर दिया करो, सैशन लाइक भी कर दिया करो यार, बहुत घट बच्चों ने लाइक किया होंगे। तो जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो जरूर सैशन लाइक कराया करो एंड शेयर भी कराया करो। ओके बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर। सो यस स्टूडेंट्स, किवें लगी अज की क्लास? सो आई होप सब अज की क्लास समझ आ गई होएगी। सो स्टूडेंट्स अपना फीडबैक जरूर दियो कमेंट बॉक्स के, अगर अच्छी लगी हो सैशन लाइक एंड शेयर जरूर करना। सो अगर तुसी कोई भी बैच बाय करना चाहते हो रोड़ा क्लासिज तो तुसी करना की है बच्चे, तुसी प्ले स्टोर से जाओ, प्ले स्टोर से जाके रोड़ा क्लासिज का ऐप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने तो बाद उत्थे आएगी ओपन द ऑप्शन, ऑनलाइन इसनों ओपन न करके अपने को इदा ऑप्शन आएगी सर्च बार की, तो तुम इसनों सर्च भी कर सकते हो या तुम स्क्रोल डाउन करके जोड़े भी बैच बाय करना चाहते हो तो सारे के सारे बैच थोड़ा इतने शो हो जाएंगे। तो जो भी बैच बाय करना चाहते हो उसते क्लिक करो, बैच से क्लिक करने तो बाद आएगी पेमेंट की ऑप्शन। सो पेमेंट की ऑप्शन तो पहला की करना है, हैव अ कूपन कोड पर क्लिक करना है। हैव अ कूपन कोड पर तुम यूज़ करना कूपन कोड AC529, तो AC529 कूपन कोड यूज़ करे तो थोड़ा मिल जाएगा इसते मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर थोड़ा किसी भी तरह की होर जानकारी चाहिए तो तुम कॉल कर सकते हो साढ़े दिए गए नंबर से। एंड प्लस जोड़े बच्चों को आईफोनस है ना, जोड़े व्डे बच्चे है ठीक है जिन्हें को आईफोनस ने, तो उन्होंने की करना है गा उन्होंने माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है एंड यूज़ करना है कोड ORG कोड ARC एंड कूपन कोड तुम सेम यूज़ कर सकते होंगे। कूपन कोड सेम यूज़ करे तो थोड़ा मिल जाएगा इसते भी मैक्सीम डिस्काउंट, कूपन कोड ना भूलो AC529। सो थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल वाली क्लास।